नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित कुमार। पिछली हर क्लास की तरह आज आपको मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। जो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि इतिहास क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास मैंने लेके चला था। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो है बात की थी प्राग ऐतिहासिक भारत की और आद्य ऐतिहासिक भारत काल की और ऐतिहासिक काल की, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो हुआ उसके बारे में एक मैंने स्पेशली वीडियो बना दिया है। अब आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वही सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो आता है वो उसमें आता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसकी डेट हमने क्या बताई थी आपसे, अभी बताई थी कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपका इसमें आता है, किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। इतना भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं हम कि इसमें आता क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब कि इसमें बताया था कि इसमें जो साक्ष्य मिले थे वो लिखित मिले थे, बट इसको पढ़ा नहीं गया था। इसमें जो साक्ष्य मिले थे मतलब लिखित मिले थे लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया था। तो आ जाता है पहला टॉपिक आपका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक्चुअली है क्या, मतलब कि सभ्यता, सभ्यता क्या है, मतलब कि वहां प्राग ऐतिहासिक काल में जो थे उनको मतलब ज्ञान नहीं था किसी प्रकार का, धीरे धीरे लेकिन उनको ज्ञान होता गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें लोग सभ्य हो गए, मतलब सभ्यता का मतलब सभ्य हो गए, हर चीज़ का मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया था। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, इसका सिंधु सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में जो है इसके बात करेंगे। तो सिंधु सभ्यता जो इसका नाम पड़ा तो वहाँ पर रहने वाले लोग, मतलब कि सिंधु घाटी नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे वहाँ के लोगों ने इसका नाम दिया सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता जो है इसका टाइम पीरियड क्या रहा था, तो टाइम पीरियड जो रहा था इसका अभी बताया था हमने 2500 ईसा पूर्व ये इसी प्राग ऐतिहासिक काल में आया था। लेकिन इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, किसकी, सिंधु सभ्यता की। अब इसके बारे में हमने बताया कि जो है इसका नाम कैसे पड़ा, सिंधु सभ्यता के लोग जो है वहाँ निवास करते थे सिंधु घाटी नदी के किनारे, जिस कारण इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता पड़ा। इसका टाइम पीरियड जो क्या रहा था वो रहा था, टाइम इसका रहा था 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड रहा था वो आपका इसमें रहा था सिंधु सभ्यता में, ठीक है। ये हुआ इसका टाइम पीरियड। उसके बाद सन 1921 में सर जॉन मार्शल के द्वारा, सर जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा नगर की खुदाई की गई थी, खुदाई जो थी की गई थी, मतलब कि सन 1921 में सर जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा नगर की खुदाई की गई थी। उसके बाद सन 1922 में मोहन जोदड़ो नगर की खोज की गई थी, किसने इसकी खोज की थी मोहन जोदड़ो नगर की, राखालदास बनर्जी, इसकी खोज किसने की थी, राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने इनकी खोज की थी, किसकी,
सिंधु सभ्यता में जो आता है मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने की थी, सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, अब जो इतना हो गया उसके बारे में, उसके बाद में जो है सिंधु सभ्यता जो थी, यहाँ की सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मतलब कि यहाँ जो कांसा का प्रयोग हुआ, मतलब कि तांबे के आविष्कार के बाद यहाँ पर तांबा आया, इसके कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता मतलब कि तांबे के आविष्कार के बाद यहाँ पर कांसा आया, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, और यहाँ की जो सभ्यता थी वो क्या थी, यहाँ की जो सभ्यता हुई थी वो त्रिभुजाकार सभ्यता थी। मतलब कि त्रिभुजाकार सभ्यता जो थी यहाँ की, त्रिभुजाकार थी, त्रिभुजाकार थी। मतलब कि आप लोग समझ रहे होंगे कि त्रिभुजाकार मतलब कि जहाँ यहाँ के जो लोग थे किस क्षेत्र में फैले थे, कैसे फैले थे। तो आ जाता है आपका, यहाँ ऊपर पड़ता है मांदा, मांदा आ जाता है आपका कश्मीर में, कश्मीर। उसके बाद ये आ जाता है आपका आलमगीर, आलमगीर आपका पड़ेगा यूपी में। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएगा आपका दायमाबाद, दायमाबाद ये आपका कहाँ पड़ेगा, एमपी में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएगा आपका सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर ये आपका कहाँ का जो है स्थान है, पाकिस्तान का। ठीक है, ये मतलब इसके कारण इसको नाम क्या दिया गया, त्रिभुजाकार सभ्यता यहाँ की जो थी त्रिभुजाकार थी। इसका क्षेत्रफल क्या था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यताओं के जो लोग थे वो कितने क्षेत्रफल में फैले थे। तो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो, अगर मतलब एग्जाम में आता है एक ऑप्शन आ जाएगा कि जैसे बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था, तो एग्जैक्टली मतलब लगभग लगभग में अगर पूछा जाए तो एक ऑप्शन हो जाएगा आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब क्या, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, इतने वर्ग किलोमीटर में ये लोग फैले थे, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर एग्जैक्टली आपसे पूछा जा रहा मतलब कंफर्म कि कितना कंफर्म था, ऑप्शन ये भी आ सकता है इसके अलावा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अलावा भी जो एग्जैक्टली पूछा है वो क्या होगा, 13 लाख में आप 400 वर्ग किलोमीटर कम कर दीजिए, एग्जैक्टली निकल आएगा, मतलब कि क्या होगा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर ये आपका एग्जैक्टली निकल आया क्षेत्रफल। मतलब कि अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जा रहा है तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में आप 400 माइनस कर दीजिए, आपका एग्जैक्टली वर्ग क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, इतना हुआ कि यहाँ की जो सभ्यता थी त्रिभुजाकार थी, क्षेत्रफल जो था इतना था। उसके बाद में यहाँ के जो लोग थे वो अभी बताया कांस्य युगीन के सभ्यता के लोग थे, मतलब कांसे के प्रयोग के बाद यहाँ पर क्या आ गया, तांबे के प्रयोग के बाद यहाँ पर वो आ गया। उसके बाद यहाँ की जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक मतलब मातृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक मतलब कि मातृ देवी की पूजा होती थी यहाँ पे, किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता था, मतलब महिलाओं को अधिकतर सम्मान दिया जाता था, महिलाओं को ज़्यादातर अक्सर सम्मान दिया था। बट आज क्या है, आज के अपने देश में, अपना देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है। ठीक है, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन वहाँ पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था, वहाँ क्या था, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएगा जो है आपका, यहाँ जो भाषा थी वो क्या थी, यहाँ की जो भाषा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो भाषा थी वो क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी वो भाव चित्रात्मक थी, भाषा जो थी आपकी वो क्या थी, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब कि भाव से, मतलब जो है कहा नहीं जाता भाव से, मतलब भाषा का जो है यूज करना, मतलब भाव क्या, वहाँ के लोग समझते थे कि जैसे कहा गया कि आपको दाएं जाना है, मतलब जाओ, इंडिकेट कर दिया गया, आप इसको बता सकते हैं क्या लिखा है, नहीं बता सकते, क्योंकि ये कि इंडिकेट एरो कर रहा है, मतलब कि इसका कुछ
इसको पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ ये था इसी को मतलब पढ़ा जा सकता, पढ़ा जाता था, मतलब क्या कहते थे भावचित्रात्मक भाषा थी वहाँ की, ठीक है, वहाँ की जो भाषा थी भावचित्रात्मक थी, इतना हुआ। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे द्रविड़ थे, द्रविड़ मतलब कि जो है वहाँ की जो सड़कें थी वो चौड़ी हुआ करती थी, पहले जो है वाद विवाद नहीं हुआ करते थे, मतलब कि आजकल आपस में जो है जमीन जायदाद के पीछे जो वाद विवाद होते रहते हैं, बट ऐसा पहले उसमें नहीं था। क्योंकि क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें जो है आदमी कम थे, मतलब मानव कम थे और जमीन जायदाद ज़्यादा थी, इसके वजह से इसमें कोई वाद विवाद नहीं होता था। बट आज क्या है, आज पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये जो अभी बताया कि जमीन जायदाद वाला मैटर ये बहुत कम है, इसके कारण इसमें वाद विवाद होता रहता है, ठीक है। इतना हुआ, कहाँ गए हम, भावचित्रात्मक, ये इसकी भाषा जो थी भावचित्रात्मक थी, ठीक है। उसके बाद इतना हुआ भावचित्रात्मक, और अब आ जाइए इसमें क्या हुआ था, इसके आगे इसमें क्या हुआ था, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में छः नगरों की खोज हुई थी, छः नगरों की खोज हुई थी, वो कौन कौन से थी। पहला है आपका हड़प्पा, हड़प्पा नगर की खोज इसमें हुई थी। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, अभी बताया हमने कि जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और किस सन में की गई थी, वो अभी इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाता है आपका लोथल, चौथा आपका आ जाता है कालीबंगा, और पांचवा आ जाता है आपका चहुंदड़ो, छठा आपका आ जाता है बनमाली। ये जो है ये पाकिस्तान का पार्ट है, ये आपका हरियाणा में पड़ता है, कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है, ये आपका गुजरात मतलब कि अहमदाबाद के गुजरात में मतलब भारत में पड़ता है, ठीक है। इतना हुआ, तो इसकी खोज इसमें हुई थी। अब इसकी खोज हुई थी, इसमें बताया था कि हड़प्पा नगर सभ्यता में जो खोज हुई थी वो छः नगरों की खोज हुई थी, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं वो जो है 1000 से लेके 1500 तक इसमें नगरों की खोज हुई थी, लेकिन पढ़ना हमको वही है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो हड़प्पा सभ्यता, ये अभी इसके बारे में बात कर रहे थे हम, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है, ठीक है। पिछले उसमें डिस्कस किया था कि मतलब इसकी खोज किसने की थी, सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इसमें अब देखेंगे इसमें साक्ष्य क्या क्या मिले थे, तो इसमें साक्ष्य जो मिले थे वो क्या मिले थे, इसमें विशाल अन्नागार मिले थे, अन्नागार, अन्नागार मतलब कि अनाज का भंडारण, जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता, मतलब कि जब सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी नवपाषाण काल में, जब मानो कृषि करना सीख गए थे, तो कृषि जो है कृषि में जो अनाज मिले उनको भरने के लिए जब हुआ, तो विशाल अन्नागार का यहाँ पे हुआ था। उसके बाद इसमें और क्या साक्ष्य मिले थे, इसमें मृतकों को दफनाने की दफनाने के परिमाण भी मिले थे, ठीक। इसमें क्या हुआ था, रावी नदी के किनारे स्थित है, विशाल अन्नागार मिले थे, मतलब अनाज को, अनाज के भंडारण को कहते हैं विशाल अन्नागार। उसमें के बाद इसमें मृतकों को दफनाने की जो है परिमाण भी मिले थे, और इसमें क्या मिला था, एक सरंगी वाले पशुओं की मोहर मिली थी, ठीक है। ये इतना इसमें इतने इसके साक्ष्य मिले थे। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था कि जो है सन 1922 ईस्वी में इसकी खोज राखल लास बनर्जी ने की थी, ठीक है। तो इसमें साक्ष्य क्या क्या मिले थे, यह सबसे बड़ा स्थल, यह जो स्थल है सबसे बड़ा स्थल है, ये मोहनजोदड़ो जो स्थल है सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या मिला था, इसमें मिला था विशाल स्नानागार इसमें मिले थे,
किसमें? मोहनजोदड़ो में इसके साक्ष मिले थे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या मिला था? पशुपतिनाथ की मूर्ति के साक्ष मिले थे, पशुपतिनाथ मूर्ति के साक्ष भी यहाँ पे इसमें पशुपतनाथ की जो मूर्ति थी उसमें चार चित्र विराजमान थे, वो कौन कौन से थे? भैंसा, गैंडा, चीता और हाथी, ठीक। ये चार चित्र इसमें विराजमान थे, किसमें? पशुपतनाथ की मूर्ति मिली थी, इसके साक्ष मिले थे, मतलब किसमें? मोहनजोदड़ो में। इसमें चार चित्र विराजमान थे, वो कौन थे? भैंसा, गैंडा, चीता, हाथी, ठीक है। उसके बाद ये कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। तो कालीबंगा, कालीबंगा मतलब इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, इसमें क्या मिला था? इसका मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। ये राजस्थान के स्थान पर, राजस्थान में पड़ता है, ठीक। उसके बाद आ जाए लोथल, लोथल जो है आपका, ये लोथल ये गुजरात के अहमदाबाद, मतलब कि भारत में, ये भी भारत में पड़ता है। तो लोथल में क्या जो है मिला था? ये सिंध नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लोथल में जो था इसमें चावल के दाने के साक्ष मिले थे, चावल में क्या मिला था? चावल के दाने के साक्ष मिले थे। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि मतलब इसके जो दरवाजे खुलते थे, किसमें के? लोथल नगर के, लोथल नगर के जो दरवाजे खुलते थे वो रोड की तरफ खुलते थे। आज क्या होता है, आज के जो दरवाजे होते हैं वो रोड की तरफ नहीं खुलते, बट इसमें क्या हुआ था? इसमें के जो दरवाजे थे वो रोड की तरफ खुलते थे, मतलब दरवाजे रोड की तरफ खुलते थे, ठीक है। उसके बाद है चौंदड़ो, चौंदड़ो आ जाएगा आपका, ये चौंदड़ो, चौंदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्या? चौंदड़ो, ठीक है। चौंदड़ो में क्या क्या साक्ष मिले थे? चौंदड़ो में साक्ष मिले थे सीसा, कंघा, पाउडर, लिपस्टिक के साक्ष मिले थे, ठीक है। ये कहाँ बताया? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जिसके कारण इसको, चौंदड़ो को क्या कहा गया? फैशन की नगरी, इसको फैशन की नगरी भी कहा गया। किसको? चौंदड़ो को। इसमें साक्ष क्या मिले थे? सीसा, कंघा, पाउडर, जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसको क्या कहा गया? फैशन की नगरी भी कहा गया। और इसमें क्या साक्ष मिला था? इसमें एक साक्ष ये मिला था कि बिल्ली का पीछा, कर रहे कुत्ते का भी साक्ष मिला था इसमें। ठीक है, ये इतना मिला था। मतलब चौंदड़ो जो था वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसमें क्या क्या साक्ष मिले थे? सीसा, कंघा, पाउडर, लिपस्टिक के साक्ष मिले थे, जिसके कारण इसको फैशन की नगरी भी कहा गया है। उसके बाद एक साक्ष और इसमें मिला था, वो क्या था? बिल्ली का पीछा कर रहे कुत्ते का चित्र भी यहाँ पे मिला था, ठीक है। उसके बाद आ जाए राखी गढ़ी, आप राखी गढ़ी जो है वो आपका पड़ता है हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में ये पड़ता है आपका, क्या? राखी गढ़ी। इसमें काहे के साक्ष मिले थे? इसमें तांबे के उपकरण के साक्ष मिले थे,
इसमें क्या मिला था? तांबे के उपकरण के साक्ष्य मिले थे। किसमें? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी जो है आपका ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जो इसमें मिला गया था, इसमें तांबे के उपकरण के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, उसके बाद बनवाली आ जाइए। बनवाली को हम बनाली भी कहते हैं, काफ़ी किताबों में लिखा हुआ मिलता है, बनवाली यानी बनाली काफ़ी किताबों में मिलता है। तो बनवाली जो था ये भी हरियाणा के हिसार जिले में भी ये भी स्थित था। हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में कौन? बनवाली कहाँ स्थित था? हरियाणा के हिसार जिले में। इसमें क्या मिला था? इसमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। किसमें? बनवाली में। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कृषि करना सीख गए थे तो उनको उगजाने के लिए जो इसमें क्या मिले थे? खेतों के, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद सुतकोतदा, सुतकोतदा जो है आपका वो आपका पड़ेगा भारत के, भारत स्थान में पड़ेगा ये सुतकोतदा आपका। ठीक है, गुजरात में पड़ेगा सुतकोतदा। उसके बाद आ जाएगा आपका रोपड़। रोपड़ जो है आपका ये घग्गर नदी के किनारे मिलेगा। इसमें क्या साक्ष्य मिला था? इसमें रोपड़ में जो साक्ष्य मिला था वो आपका मिला था मतलब कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाया गया था। ये किसका है? रोपड़ का। रोपड़ में कौन सा साक्ष्य मिले थे? कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाया गया था। ठीक है, इतना ये हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का तुम्हारा पार्ट हुआ। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बहुत सी किताबों में, बहुत से इतिहासकारों ने पता लगाया कि इसका अंत बाढ़ के कारण हुआ था। मतलब बाढ़ आई और इसका तहस नहस कर दिया था। उसके बाद जो है अब एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि जैसे मतलब इस समय के लोग जो थे वो आज तो हैं नहीं, तो इन सारी बातों का पता कैसे लगाया गया, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है। तो कैसे पता लगाया गया? C14 के अनुसार इन सारे इतिहास को पता लगाया। इतिहासकारों ने इसकी खोज की, वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की, इसके कारण आज हमको ये सब पढ़ना पड़ा। इसका है क्या? कार्बन डेटिंग प्रणाली, डेटिंग प्रणाली, जिसके कारण आज का ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो पुराने इतिहास जो पढ़ने पड़ रहे हैं हमको, उसके बारे में कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार हमको पता लगाया गया। तो आज के लिए ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक हुआ। अगला वीडियो जो बनेगा वो हमारा होगा वैदिक सभ्यता। मतलब उसमें क्या था? वैदों की जो संरचना थी, कितने प्रकार के वैद थे, वैदों में इसमें वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ, इसके पूरे बारे में इसके डिस्कस करेंगे।